नाश्ता मिलेगा? बना रही हूँ। हाँ जी। अब भी आपने पपीता खाया है, यो बिहेविंग जैसे एकदम ऐसी तेज भूख लगी है। हाँ से भूख है ना, फिर पराठे की खुशबू आ जाए तो ऑब्वियसली। कहाँ से आई खुशबू पराठे की, अभी तो कुछ बना भी नहीं है। आलू के इतने नौटंकी हो ना आप, एक नंबर के। क्या क्या है? सो आज है आलू का पराठा बन रहा है, तो आई हैव नॉट मेड योर रेगुलर पराठा वाला मसाला। अच्छा। मैंने दूसरा बनाया है जो मुझे पसंद है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये देखो, ये बनाया है मैंने आज। तो इसमें लाल मिर्च नहीं है, इसमें गरम मसाला, काली मिर्ची, भुना जीरा पाउडर और मेथी, कसूरी मेथी, धनिया, बस। हरी मिर्च डाली नहीं क्योंकि आप खाते नहीं। अदरक डाल सकती थी बारीक बारीक काट के, भूल गई। एनीवे ऊपर से डाल दो। तवा बहुत तेज गर्म हो गया है। हटो 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 हटो। एनीवे नीचे की रोटी है, पराठा बनाओ। तो पराठे के साथ आपके लिए चटनी है, प्लम्स की चटनी आपको भाई थी ना, और दही है। हरी मिर्च बोलोगे तो अलग से, परोछों के लिए हरी मिर्ची खाओगे? नहीं। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो मुझे पराठे कैसे अच्छे लगते पता है? कैसे बताओ? आटा कम और आलू खूब सारा। आज मुझे लग रहा है मैंने आटा ज्यादा ले लिया। आलू तुम गोलगप्पे में भी आज ज्यादा लेते हो? हाँ, मुझे पता नहीं, आजकल ना आलू से एक अलग ही प्यार है। इतने साल, कम से कम 13-14 साल शादी के, मैंने बहुत रेयरली आलू खाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू नहीं पसंद, बेटे को भी नहीं पसंद। आई एम लाइक ओके, जब इतनी सब्जियां तो आलू क्या खाना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे। हमारे घर में आलू की सब्जी महीने में एक बार बनती थी, वैसा हाल था। पर अब तो मुझे आजकल आलू ऐसा, आलू आलू आलू। गया कम मसाला, पता नहीं फटेगा कि नहीं, क्योंकि यूजली मैं इतना स्टफिंग डालती हूँ ना कि मेरा पराठा बिल्कुल फट जाता है। बड़ा अच्छा टिक्की का फेवरेट है उपमा बेटू लाल के लिए, क्योंकि वैसे तो आलू पराठा खाता है पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले उपमा बना दिया, फिर मुझे स्ट्राइक होकर आज आलू पराठा बना रहता है। तो ठीक है, जो उसे पसंद है वो खा लेगा, फिर आलू पराठा उसे लंच में मिलेगा। मम्मी होती ना मेरी, डांटती इतो बड़ो पराठा कौन बनावे, छोटा छोटा पूठरा पूठरा बेला। मतलब मम्मी बोलती कि छोटे छोटे सुंदर सुंदर बेले करो, लेकिन जब स्टफिंग भर के डालनी है तो पराठे छोटे कैसे बनाए। मतलब हम ढाबे पे खाते तो इतने बड़े बड़े पराठे मिलते हैं, खैर वो तंदूर में बनाते हैं, क्योंकि मेरा तवा बड़ा था तो मैंने आराम से तसल्ली से बड़ा बड़ा पराठा बनाया है, खूब सारा आलू डाल के। एक ही पराठे में पेट भर जाए। हाँ तो हम लोग इतना ही खा पाते, इससे ज्यादा आपने कभी खाया है? कभी मैं इतनी ज्यादा स्टफिंग डालती हूँ, मैं भी एक पराठे से ऊपर नहीं खाती, ना आप खाते हो ना दरन। मक्खन, मैं फ्रिज से मक्खन नहीं, हाँ थैंक यू लाने के लिए, मैं आपके लिए खास मक्खन रखा था आलू के पराठे के लिए। ये हो गया, क्या कर रही तू? नहीं, मैंने देखो करारा सेका एक साइड से, अब दूसरे साइड से। क्यों? कि अगर हम अच्छे से पहले से थोड़ा सा करारा सेक लेंगे ना, तेल कम लगेगा और फटाफट सेक जाएगा। फिर वो तंदूर का फ्लेवर भी आ सकता है ना, वैसा सा फील होगा। नहीं, वैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। अगर ये पराठा मेरा बेलते वक्त फट जाता और आलू आलू दिखता ना, तो टिक्की वाला फ्लेवर आता है, विच आई टोटली लव। ये देखो अब फूलना शुरू हो गया, तो अब कम तेल में ही ये बन जाएगा। गैस फुल करो, अब दूसरी तरफ से सिकाना। अच्छा गैस लो, दही डालना भूल गया, दही डालो। हो गया देखो, जब क्या ब्राउन कलर आया। हाँ ये देखो ना फटे फटे हाल। तो क्या हो जब जाए? अकेले में बनाती हूँ रोटी के जैसे फूल जाते हैं, और जब वीडियो बनाते तो ये हाल हो जाता है। चल गया मेरा हाथ। क्या हो रहा? बस दही मलाई डाल दो ना आपको। थोड़ा और दो मलाई। बस दही नीचे तो इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप पीने का मलाई तो ऊपर से उतरती है। नमक डाल दो, ये वाला नमक डाल रही हूँ, पिसड़ा लून, फ्लेवर आ जाएगा अदरक का।
लून इज नमक ओनली। मारवाड़ी में तो लून ने नमक ही बोला, नमक ने लून। ये पराठा हो गया वैसे हो गया है, ले रही हूँ पराठा आपका। फोल्ड करूँ कि ऐसे डाल दूँ? नहीं ऐसे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? मक्खन डाल दूँ? ये सफेद मक्खन या फैला लोगे खुद ही? ओके, नाश्ता टाइम। यस यस यस, लीजिए यमी यमी पराठा सफेद मक्खन के साथ, आलू पराठा, दही विद खूब सारा पीसीडो लून, प्लम की चटनी, जलपाई का अचार गुवाहाटी से। मक्खन को बाहर क्यों निकाल दिया, पराठे भी डालो? नहीं नहीं डाल दिया, इसमें भी लगा हुआ है और डाल लेंगे बाद में, बट धीरे धीरे। ओके, कैसा लगा? मस्त है। चटनी टेस्ट करी? फ्रेश फ्रेश बनाई है मैंने, आज मिक्सी में बनाई है चटनी। पता है इस बार दही का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, आपको भी पता चलेगा, है ना? How's it? Nice?